आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की, जिसमें उन्होंने आज गुमला के बिशुनपुर का जिक्र किया। पीएम मोदी ने बिशुनपुर में हो रही लेमन ग्रास की खेती की तारीफ की। खेतों में छाई हरियाली और काम करती ये महिलाएं, तस्वीर गुमला के बिशुनपुर की है। यहाँ विकास भारती के सहयोग से लेमन ग्रास की खेती होती है, जिसका जिक्र पीएम मोदी ने अपने मन की बात में की। झारखंड के बिशुनपुर में इन दिनों 30 से ज्यादा समूह मिलकर के लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं। लेमन ग्रास 4 महीनों में तैयार हो जाती है और उसका तेल बाजार में अच्छे दामों में बिकता है। इसकी आजकल काफी मांग भी है। इस साल बिशुनपुर के करीब 3 एकड़ जमीन पर लेमन ग्रास की खेती की गई है, वहीं और 60 एकड़ जमीन को इसके लिए तैयार किया जा रहा है। लेमन ग्रास की खेती वैसे जमीन पर होती है जो खेती योग्य तो है लेकिन बेकार पड़े हुए हैं। लेमन ग्रास न सिर्फ सेहत के लिए फायदेमंद है बल्कि इससे किसानों की तकदीर भी बदल रही है। इसकी खेती को बढ़ावा देना है, जो खेती का जुग है, पर खेती उसमें हो रही है, तो हम ऐसे क्रॉप का बढ़ावा दें जो कि मवेशी भी नहीं चढ़े और आमदनी भी किसान को ज्यादा मिले। तो 1 एकड़ लगाता है तो उसको लगाने में करीब 25,000 रुपया लगता है 1 एकड़ में रोपाई करने में। एक साल भर में 4 कटिंग करता है तो वो 60 से लेकर 80 लीटर तक तेल तैयार करेगा, तो 1 लीटर तेल 1500 रुपए बिकता है। और यदि वो स्लिप उखाड़ करके किसान बेचता है तो साल भर में 1 एकड़ से वो करीब 10 लाख तक का स्लिप बेच सकता है। लेमन ग्रास का खेती करके कुछ रोजगार अभी मिल गया है हम लोग को। और अगला जैसे कि हम लोग जिस तरह का फायदा किए उसी तरह का महिला लोग को भी बोल रहे हैं कि कुछ आप लोग भी लगाइए, आप लोग भी 2 पैसा कमाइए। पीएम मोदी के द्वारा अपने मन की बात में बिशुनपुर में की जा रही लेमन ग्रास की खेती का जिक्र किए जाने पर विकास भारती और बीजेपी ने खुशी जाहिर की और इसे झारखंड के लिए गौरव की बात बताया। हाँ, बिशुनपुर में लेमन ग्रास के विषय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के विषय में उन्होंने उद्धृत किया, निश्चित रूप से हम सब गौरवान्वित है। लेमन ग्रास की खेती में ना तो ज्यादा मेहनत और ना ही ज्यादा पानी की जरूरत होती है, इसे पशु भी नहीं खाते। लेमन ग्रास से निकाली गई तेल 1500 रुपए लीटर तक बिकती है, जबकि ग्रास के स्लिप भी काफी महंगे हैं। फिलहाल बिशुनपुर की 32 उत्पाद समूह की 1600 महिलाएं इस खेती से जुड़ी हुई हैं, लेकिन अब उम्मीद है कि पीएम मोदी के मन की बात में इसके जिक्र होने से लेमन ग्रास की खेती को बढ़ावा मिलेगा। गुमला से सुशील के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो बिशुनपुर के किसान जो है वो लेमन ग्रास की खेती करके खुशहाल हो रहे हैं, इसका जिक्र पीएम ने मन की बात में भी किया। लेकिन इस पर अर्जुन मुंडा का क्या कुछ कहना है वो जरा सुन लेते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस बात का उल्लेख किया है, हमारा मंत्रालय उसी पर काम कर रहा है और अभी विकास भारती के साथ मिलकर के भी हमारा मंत्रालय काफी सारा कार्य कर रहा है।